तो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। तो इसमें भी हमें इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो 7√3 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करेंगे। सो हम लेट अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम 7√5 इज़ एन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होगा, 7√5 किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, सॉरी वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 7 है हम √5 को क्या करेंगे, अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। तो पी क्यू ये नीचे आ जाएगा, 7 क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो देखने से ही लग रहा है क्या है, ये रैशनल नंबर है, एक क्योंकि क्यू ज़ीरो हो नहीं सकता इसलिए रैशनल नंबर है। पर हमने अपने पहले उसमें प्रूफ करा था कि √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि इरेशनल नंबर क्या कभी, मतलब इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल आता है कभी, नहीं आता ना। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारा फैक्ट कि कि 7√5 क्या है, रैशनल नंबर। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन दैट 7√5 इज एन रैशनल नंबर। सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट।